जैसा कि जिला प्रशासन ने डिसाइड किया है, जिला प्रशासन का ये मानना है कि अभी भी हरदोई जनपद में पूर्ववत व्यवस्था बनी रहेगी। जैसे कल तक लॉकडाउन की स्थिति थी, वैसे ही लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। बिहानी कस्बा और बिलग्राम कस्बा क्योंकि पॉजिटिव केस आने के बाद से बंद थे, तो यथावत बंद रहेंगे। दूसरा, आज से सांडी और पाली क्षेत्र में रैंडम चेकिंग कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग सभी घर घर जाके चेक करेंगे, तो ये दोनों कस्बे भी अगले 3 दिनों तक बंद रहेंगे। बाकी पूरे जनपद में जो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक केवल आवश्यक वस्तु से संबंधित सेवाओं का विचरण संचरण रहेगा, इतना ही रहेगा। इससे ज़्यादा दुकानें नहीं खुलेंगी और आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर कोई और दुकानें नहीं खुलेंगी। अन्य जनपदों में कहीं कहीं ज़्यादा छूट दी जा रही है, लेकिन अभी हरदोई जनपद में इस प्रकार की छूट नहीं है। जो पूर्ववत व्यवस्था थी वैसी ही चली रहेगी। जो भी ड्यूटी पे कर्मचारी हैं इस बात को ब्रीफ करें, जो भी थानाध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्ज हैं, हल्का प्रभारी हैं, अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पे जो भी कांस्टेबल और जो भी हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जो भी ड्यूटी पे रत कर्मचारी हैं, होमगार्ड हैं, उनको ब्रीफ करें। ध्यान रखें ज़्यादा मात्रा में लोग मार्केट में घूमते हुए न पाए जाएं। अपना काम, जो आवश्यक सेवाओं से रिलेटेड काम है, उसको करके अपने अपने घर चले जाएं। कोई भी पुलिसकर्मी किसी के साथ किसी प्रकार की अभद्रता करता, लाठी डंडा चलाना, इस प्रकार की हरकत न करें। जो भी सब इंस्पेक्टर वहाँ पे ड्यूटी पे हैं उनसे कांटेक्ट करें। चालान इत्यादि अगर ज़्यादा बिना किसी कारण का कोई व्यक्ति वहाँ घूम रहा है तो उसका चालान जरूर कर लें। आज क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से छूट दी गई है, कहीं पे ज़्यादा छूट दी गई है, कहीं पे बिल्कुल छूट नहीं दी गई है कुछ जिलों में, इसलिए अलग अलग जगह कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। इसलिए हरदोई जनपद में ये क्लियर कर देना बिल्कुल ज़रूरी है कि जैसे पूर्ववत व्यवस्था चली आ रही थी वैसे ही चलेगी। सिर्फ ये 4 कस्बे जो बता रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जगह पे आपको पूर्ववत जो 8 बजे से 2 बजे तक दुकानें केवल आवश्यक वस्तुओं के जो पहले से थे उन्हीं की दुकानें खुलेंगी और उन्हीं के लिए काम के लिए लोग निकलेंगे। इसके अलावा संडीला क्षेत्र में कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जिनको छूट दी गई है। उनके लोग जिनके कैंपस में अपने उनके कर्मचारी और मजदूर इत्यादि रहते हैं वो अपना काम अपने स्तर पे करेंगे, जिसकी जानकारी संडीला क्षेत्र के लोग, जो भी पुलिस विभाग है, वो SDM से संपर्क करके जान ले कि कौन कौन से इंडस्ट्री है जिनको छूट दी गई है। बाकी सड़कों पे बिना किसी कारणवश घूमना किसी को जैसे पहले अलाउ नहीं था वो अभी भी अलाउ बिल्कुल बंद है। जनपद के अंदर का ही जो विचरण है वो अलाउ रहेगा, जनपद के बाहर का विचरण नहीं अलाउ है। जो भी बॉर्डर पे पुलिसकर्मी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, 22 जो हमारे बैरियर बने हुए हैं उन पे जो भी पुलिसकर्मी बने हुए हैं, उन पे जो भी थाने हैं, वो अपने अपने बॉर्डर पे जाकर ब्रीफ कर दे कि आवश्यक वस्तुओं की गाड़ियों को चेक किया जाए, चेक करके उनको छोड़ दिया जाए, उनको अननेसेसरी किसी बहाने से चालान न किया जाए, उनका जो भी परमिशन पास वगैरह चेक कर लिया जाए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो संबंधित SDM से संपर्क कर लिया जाए। व्यक्ति विशेष कोई अगर जाना चाहता है बाहर से, जब तक उसके पास लीगल पास नहीं है तब तक वो नहीं जाएगा, नहीं आएगा। पहले से व्यवस्था जो चली आ रही थी वैसे ही चलेगी। आज सभी पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है, सभी अतिरिक्त सतर्कता रखें, संयम बनाएं। पुलिस पब्लिक भी बहुत दिनों से सभी घर के अंदर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इस दौरान पुलिस से वाद विवाद होने की संभावना है, किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें और संबंधित सब इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष या क्षेत्राधिकारी से कॉन्टैक्ट करें अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो।
डेल्टा नोट किया सर हमें सर।